चंगा दस्ता। तो देखो स्प्रिंग पेंडुलम का टाइम पीरियड है 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। ये कितना आया हुआ आप फार्मूला बेसिकली इतों कटे आप। अच्छा हूं बेटा आप इस तो अगे तो नहीं किता कुछ बस ओही किता सी बस आई ठीक। हाँ हूं आ देखियो इंपोर्टेंट पॉइंट्स हूं पुत्र ये जिहड़ा सिंपल पेंडुलम का कंसैप्ट है स्प्रिंग पेंडुलम का कंसैप्ट है तो ये विच सिंगल स्प्रिंग की जगह दो या तीन स्प्रिंग्स भी आ सकते तो जिदा आप देखते नहीं है ये दो रेजिस्टर्स है सीरीज है ये दो रेजिस्टर्स है पैरेलल है तो स्प्रिंग्स दे केस भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है और ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स है। तो अगर मैंने कोई कहे भी इस केस टाइम पीरियड निकालो तो मैं कहना टाइम पीरियड है भी 2 पाई अंडर रूट एम बाय के एस और के एस की वैल्यू करवाया था नहीं सी करवाता सी तो फिर मैं वही पूछ रहा हूं दस दे स्प्रिंग दे है ना ये सारा कट ले आए हां मैं वही की ना हूं देखो इधर विच ये गल देखो पुत्र हूं जेडी मैं गल दसन लगा एदा भी हो सकदा सुनो इतना भी हो सकता कि स्प्रिंग एक ही है मासेस दो है तो टाइम पीरियड दस घबराना नहीं जेकर एक स्प्रिंग और दो मासेस है तो स्प्रिंग कांस्टेंट तो ही रहेगा बट मास की आना रिड्यूस्ड मास और ये कितना कटना 1 ओवर म्यू इज इक्वल टू 1 ओवर m1 ओवर 1 ओवर फिर अभी गल की पहचान करनी थोड़े बहुत जरूरी है पुत्र भी मान लो आ एक स्प्रिंग है आ मास है आ स्प्रिंग है ना पहली नजर च इदा लगता वा भी दोनों स्प्रिंग सीरीज है क्योंकि पर ये पैरेलल है क्यों पैरेलल की पहचान होती है कि दो स्प्रिंग्स जो जदों एक स्प्रिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन च स्ट्रेच होएगा बाय एक्स मतलब उसकी लंबाई बढ़ेगी एक्स तो दूजे की भी लंबाई या एक्स बढ़ेगी या एक्स ही घटेगी हुण इहदे च देखो आ देखियो पैरेलल कॉम्बिनेशन च पहचान करो जदों तुसीं इहनूं नीचे नूं जिन्नी लंबाई इहदी बढ़नी उन्नी इहदी बढ़नी। अच्छा उहदे नाल की होणा ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਔਰ ਟੋਟਲ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ F1 ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਓ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਾਸ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਈ F1 ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਇਹਦੀ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਣੀ ਬੁੱਤ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੋ ਦੋਨੋਂ ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ना कि सीरीज समझ गए
तो इस करके इतने जो टाइम पीरियड की आना t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाय केपी केपी हम देखो थानू याद है भी अपना लास्ट लेक्चर च गल की सी कि अगर आप एक स्प्रिंग नू दो पार्ट्स डिवाइड करते हैं ता के वन के टू जो तो सिंगल पीस है तो उदी स्प्रिंग कांस्टेंट सी के तो लेंथ सी की एल L1 plus L2 तो उस तो बाद L1 plus L2 क्यों किया क्योंकि आपां उस L length नू दो parts L1 L2 च तोड़ता सी और उस तो बाद K1 K2 कटिया सी कितना आया सी ता अगर length L है ता spring constant सी K उस तो बाद जब आपां इन दो parts च तोड़या सी आ हो गया सी हुण K1 K2 और K आपस च रिलेशन की कटिया सी K1 की सी याद है क्योंकि जेडी K हुंदी है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हुंदी है तो इस करके K1 दी वैल्यू की आएगी K इनटू L1 प्लस L2 बाय L1 तो K2 आई सी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना हम देखो पुत्र हम खास करके ता नॉन मेडिकल दे विच चांस की हुंदे आ आ देखियो ओने पता की कहना आ देखो हुन मैं तानू एक तार गल जोड़न लगा दूसरी आ तानू दसया ना भी अगर आ दो मासेस है तो एदा टाइम पीरियड कितना करना 2 पाई अंडर रूट reduced mass है ना reduced mass हमेशा one over mu is equal to one over m1 plus अच्छा हमने इसे दो spring भी तो हो ही सकते थे फिर तो हाँ हम इधर इधर time period आना two pi under root mu over kp तो mu की value m1 m2 over m1 plus m2 पता लग गया कि भाई one over mu तो ही आई है तो KP K plus K है ना हुन देखो हुन गल की करन लगा JE दे विच इतना कर सकदा आ एक पाइप है सर्कुलर शेप च ठीक है हुन उन्हें की करना कि JE लई ज्यादा चांस है उन्हें कहना आ एक बड़ा
स्प्रिंग है। हम आएगा स्प्रिंग है एडी लेंथ की है 2 पाई आर ते इरा ए ए एंगल कितना बना रहे हैं सेंटर से 360 डिग्री है ना। हम लेंथ ऑफ आर्क के बराबर होती है रेडियस इनटू थीटा इरा मतलब जितनी ज्यादा लेंथ उतनी ज्यादा एंगल सबटेंडेड इतना ही हो गया ना। अच्छा हुण की कहता है आया सिंगल स्प्रिंग है इदे दो हिस्से करते M1 M2 और विच का आप दोनों में दो मासेस जोड़ दे हुण इदा टाइम पीरियड दसो तो गल तो कुछ भी नहीं एक्चुअली आ ही सिचुएशन है ना आ वाली है मतलब आ दोनों स्प्रिंग्स पैरेलल चल और आ रिड्यूस्ड मास आ जाना बिल्कुल सेम फार्मूला। हाँ हुन अगर मान लो आ एंगल है थीटा ए 360 डिग्री माइनस थीटा है ना। हुन आ फार्मूला तो आ K1 कितना कटना है तो K1 आना K की सीधा जो तो पूरा सिंगल स्प्रिंग सी ठीक है और पूरे सिंगल स्प्रिंग का एंगल कितना सी 360 डिग्री ते K1 का एंगल देखो K1 और इसे आप आई को प्रेफर करना रेडियन चलिए ना इतना ही K2 आ जाना समझ आएगा तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय तो K1 K2 तो आया ना इस केस याद रख लेना। अरे जेई ले इंपॉर्टेंट है मेडिकल कट है चांस बट जेई ले इंपॉर्टेंट हूं इधर जो आ वाला कांसेप्ट यूज होया और आ वाला कांसेप्ट भी दोनों को मिला के होया लेंथ की जगह एंगल सबटेंडेड आ गया और एंगल सबटेंडेड प्रेफर करो रेडियंस प्रेफर करना क्योंकि ऐसा ही कैलकुलेशन करते हैं ना अपन तो इस करके नु रेडियंस लिखना 2 पाई 360 डिग्री नु 2 पाई ना रिप्लेस करना और थीटा भी रेडियंस ही लेना। वैसे तो रेशियो च कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना ना क्योंकि 360 डिग्री या थीटा भी 60 डिग्री है तो 16 हो जाना ना या 6 टाइम हो जाना बट क्योंकि आदत बना लेनी है अपना।
सारी एक न्यूमेरिकल आते चांसेस पूरे होते हैं तीन आइडेंटिकल स्प्रिंग्स है आ एक मास है जो आप इस मास नु नीचे करके छड़ांगे ता ये मास जो ऑसिलेट करेगा ता एदा टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी दसु अच्छा हुन बेटा ओदे विच ना आ एंगल मान लो थानु दिता 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री कुछ भी हो सकदा है एंगल आ वाला एंगल तो मैं लेन लगा इनु मतलब जनन मुझे कल ये 60 है ना मैं 60 डिग्री पुट कर दूं पाई बाय 3 जो 90 है तो पाई बाय 2 है ना एंड सो हुन इधर टाइम पीरियड कितना कटना या फ्रीक्वेंसी ओदे लिए मैं की करन लगा देखियो आ जेडे दो स्प्रिंग्स है मैं इन्हां नु स्प्रिंग नहीं ले रहा इन्हां नु मैं सीधी लाइन ले रहा स्प्रिंग्स है और आ तीजा स्प्रिंग है ताकि डायग्राम सौखी हो जाए और जे आ एंगल थीटा वा तो आ एंगल थीटा बाय 2 हो गया आ मास है हुन ऑसिलेट करन लगे की करना पैना तुहानु जिहड़ा मास है इक्विलिब्रियम च इनू शिफ्ट करना पैना मान लो ये मास किथे आ गया और ये अपनी जगह तो किन्नी डिस्प्लेस हो गया एक्स तो एदा मतलब हुन आ जिहड़ा स्प्रिंग है ए लंबा हो गया और अभी लॉन्गर हो गया आ छोटा हो गया तो तिन्ना विच की पैदा हो जानी रीस्टोरिंग फोर्स सो आ वाली रीस्टोरिंग फोर्स और आ वाली रीस्टोरिंग फोर्स बराबर होनी क्योंकि दोनों स्प्रिंग सेम है और लंबाई भी सेम है तो ए एफ माननी है पर आ स्प्रिंग कितना छोटा होया एक्स एदी रीस्टोरिंग फोर्स अलग होनी बट है ना क्लियर है अच्छा हुन बेटा आ जेडी रीस्टोरिंग फोर्स है तो आ एंगल और आ एंगल ऑलमोस्ट सेम ही होने क्यों क्योंकि जेड़ा स्प्रिंग चेंज हुंदी लेंथ बहुत छोटी है इस करके आ एंगल और आ एंगल भी थीटा बाय 2 ही है तो इस तरफ एदा कंपोनेंट हो गया F1 साइन थीटा और इधर नो एदा हो गया आता हो गए कैंसल आउट और इन दोनों के ऊपर नो कंपोनेंट और नाल आ भी है तो रिजल्टेंट रीस्टोरिंग फोर्स कितनी लग रही है F2 प्लस रीस्टोरिंग फोर्स तो नाल माइनस साइन लाता भी है रीस्टोरिंग फोर्स अच्छा हुन बेटा जेड़ा F2 है ये ता बराबर है KX वे क्यों क्योंकि कितना दा स्प्रिंग कांस्टेंट K है और यदि कंप्रेशन X हो ये एदा KX है पर यदि लंबाई कितनी वधी है इनू कटन दे लिए मैं की करन लगा जान के हुन आ देखो आ वाला जेड़ा पॉइंट है और
परपेंडिकुलर ड्रॉ करा वाला तो आ लेंथ दोनों दी सेम ही है, इधर मतलब इधर लेंथ कितनी चेंज हुई नहीं। अच्छा हम आ एंगल की है और एंगल एंगल परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, तो बेस की होना हाइपोटेन्यूज पता लगा, इधर मतलब F1 की वैल्यू की है K ते चेंज इन लेंथ, और इस स्प्रिंग की चेंज इन लेंथ कितनी है X नहीं है, इधर मतलब F1 F2 है KX ते F1 है ते आवाला कॉस हो रहा कॉस मिलके कॉस स्क्वायर हो गया ना एक्स दोनों च कॉमन आ गया तो आगे आ गया थोड़ा के इफेक्टिव नेट फोर्स की होंगी के एक्स ही होंगी ना तो टाइम पीरियड की बनो टू पाई अंडर रूट मास ओवर सो इना मतलब सिचुएशन आ जाए तो टाइम पीरियड कटर लिया फार्मूला च के इफेक्टिव इस फार्मूला तो बढ़ना और थीटा आ वाला एंगल बनना पूरा तो जे 60 डिग्री है तो इधर कॉस स्क्वायर 30 हो जाना जे 90 है तो 45 हो जाना जे 120 है तो 60 हो जाना ये रिजल्ट याद करना पड़ेगा क्योंकि इतना टाइम नहीं होना अपन भी उसे सॉल्व कर सकिए
जो बेटा असी मोशन्स SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस कीता हुआ ना ए अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस होंगे पर जे मान लो विस्कस फोर्स आ जाए फ्रिक्शनल फोर्स होए तो इन्हां नूं कॉमनली असी डैम्पिंग फोर्सेस कह सकते हैं तो फिर सिस्टम दी जड़ी टोटल एनर्जी है क्योंकि आपां गल कर रहे हैं मकैनिकल ऑसिलेशंस दी मकैनिकल ऑसिलेशन च सिस्टम दी टोटल एनर्जी हुंदी है मकैनिकल एनर्जी जबकि ऑसिलेशंस इलेक्ट्रिक भी हो सकती हैं और इलेक्ट्रिक ऑसिलेशंस दे विच की हो रहा वा चार्ज ऑसिलेट कर रहा और ये गल बार बार तुहानू दस रहे हैं ऑसिलेटिंग का मतलब हिलना नहीं है टाइम दे नाल उहदी वैल्यू का इदा चेंज होना वा कि जिस तरह एक साइन करो बनता वा भी जे पहला जीरो है तो वध के मैक्सीम हो जाए वैल्यू फिर घट के जीरो हो जाए फिर ऑपोजिट च वध जाए ना हुण जिहड़ा इलैक्ट्रिकल ऑसिलेशन होंदियां वा उहदे विच साडे कोल इलैक्ट्रिक प्लस जिदा इत्थे मकैनिकल ऑसिलेशन दे विच काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम मकैनिकल एनर्जी है वह कॉन्सटेंट रहिंदा उदा ही एलसी ऑसिलेशन दे विच इलैक्ट्रिकल ऑसिलेशन दे विच जो इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ते मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का सम कॉन्सटेंट रहिंदा और फर्क दोनों च सिर्फ आया कि इत्थे मैकेनिकल ऑसिलेशन और इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन फर्क सिर्फ यह है कि यह टाइम पीरियड है 2π√mk या फ्रीक्वेंसी है अब ज्यादातर फ्रीक्वेंसी की गल करिए जबकि इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी की होती है याद है ना तो मैकेनिकल ऑसिलेशन च जो रोल मास इनर्शिया प्ले कर रहा मास इनर्शिया है ना तो इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन च वही रोल इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंडक्टेंस प्ले कर रही तो और जो रोल इतने स्प्रिंग कांस्टेंट इलास्टिसिटी वालों प्ले हो रहा इतने 1/c कैपेसिटेंस दा रेसिप्रोकल प्ले करता है ना कई बार पूछ लेते हैं कि अगर मैकेनिकल ऑसिलेशन च मास है तो उदे इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल च की होएगा वो याद होना चाहिए था तुम्हें हुण मैकेनिकल ऑसिलेशंस दे विच अगर डैम्पिंग फोर्सेस आ जाए जिदा कि फ्रिक्शन आ जाए एयर रेजिस्टेंस आ जाए विस्कस फोर्स आ जाए तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस होंगे तो उदा ही इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन च डैम्पिंग फोर्सेस की जगह कौन आ जाता रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस आ जाए एक गल का होर ख्याल की रखना तुसी देखो बेटा एक हुंदा अनडैम्प्ड ऑसिलेशन एक हुंदा डैम्प्ड ऑसिलेशन एक हुंदा फोर्स्ड ऑसिलेशन फोर्स्ड ऑसिलेशन दे विच असी किसे चीज नूं ऑसिलेट करन लई मजबूर करदे हां बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जिदा भी पार्क दे विच पींग लगी है ना
तो अगर उस पींग के ऊपर कोई बैठा हुआ और उस परसन जो पींग से बैठ गया, आप पींग नू पिछे नू लैके गए और उन्हें छड़ता, जे तो वो परसन भी आराम ना बैठा हुआ, पींग भी अपने आप हेल्दी पी है, ये है नहीं वहां डैम्प्ड ऑसिलेशन, क्योंकि वो इतना चलती चलती रुक जानी, फ्रिक्शन है, हीयर रेजिस्टेंस है। पर जे आप पिछे खड़े हो गए, जिदा ही पींग आती है वापस, असं उन्होंने थोड़ा पुश कर देने, फिर वापस आते, वो फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है, तो हुण जिहड़ियां फोर्स्ड ऑसिलेशन है उहदे च तुहानू की करना पै रहा, एक खास टाइम तो बाद फोर्स अप्लाई करनी पै रही है। तो वो मतलब जिहड़ी फोर्स तुसीं लगा रहे हैं वो पीरियोडिक फोर्स है, उहदा टाइम पीरियड भी है, उहदी फ्रीक्वेंसी भी है। हुण अगर बेटा अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी और ऑसिलेटिंग बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए तो असी कहने हैं रेजोनेंस हो गई। मतलब उस केस की होएगा भी वो सिस्टम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के नाल ऑसिलेट करेगा, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस वेले जेड़ा डैम्ड सिस्टम है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड नाल ऑसिलेट करता, ते जे अनडैम्ड सिस्टम होए तो फिर इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड। दो चीजें फर्क, मतलब एट रेजोनेंस फोर्स है नहीं, एयर रेजिस्टेंस है नहीं, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है तो उसकी वैल्यू, उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डैम्ड ऑसिलेशन के दौरान जो फ्रीक्वेंसी है उसमें ज्यादा होती है। मतलब डैम्ड ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी अनडैम्ड ऑसिलेशन नालों हमेशा कट होती है। डैम्ड ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी अनडैम्ड ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी तो घट होती है। तो ये है रिगार्डिंग ऑसिलेशंस, है ना। हुण इहदे आपां प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है, तो लास्ट टॉपिक फिर अपना रह जाना वेव मोशन, है ना, वो थोड़ा छोटा ही है। तो हम थोड़ा